गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू पेंटिंग एंड इट्स नेम इज़ हज़रत निज़ामुद्दीन आली एंड अमीर खुसरो। हियर यू कैन सी द इमेज ऑफ द पेंटिंग। इट्स अ स्टोरी अबाउट द टीचर एंड अ स्टूडेंट एंड बोथ आर डिस्कसिंग on a religious topic. So let me show you all the details of this painting. Here you can see the background painted in a light blue and a dark blue. The shades of blue are shown here, and here is a tree. Fruits, leaves and flowers are shown here. Here you can see some squirrel and birds. And here you can see two persons are painted in the painting. One is a teacher and one is a student. Both are painted in different type of dresses. Musical instruments is there. Books is also painted here. Some flowers, plants painted in the background. Carpet is also painted here, and at the bottom you can see here wooden grills also painted here, two steps also shown, and two gardens here is also painted with some beautiful flowers. So let's start some theory about it. Name: Hazrat Nizamuddin Ali and Amir Khusro. Artist: unknown. School: Hyderabad School, Deccan School. Period: 1750 to 1770 AD. Medium: watercolor tempera on paper, courtesy the National Museum, New Delhi. तो इस पेंटिंग का जो नाम है वो है हज़रत निज़ामुद्दीन आली एंड अमीर खुसरो, और इसके आर्टिस्ट जो है वो अननोन है। स्कूल हैदराबाद स्कूल है इसका, और टाइम पीरियड जो है वो 1750 से 1770 एडी। मीडियम जो है वाटर कलर टेम्परा ऑन पेपर, इस मीडियम में इस पेंटिंग को बनाया गया है, और कलेक्शन जो है वो द नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली। इसके बाद सब्जेक्ट मैटर है, दिस पेंटिंग इज बेस्ड ऑन द डिस्कशन बिटवीन हज़रत निज़ामुद्दीन आली एंड अमीर खुसरो ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट। अमीर खुसरो वाज द स्टूडेंट ऑफ निज़ामुद्दीन आलिया। तो यहाँ बताया हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया और अमीर खुसरो, इनके बीच के डिस्कशन के ऊपर ये पेंटिंग बेस्ड है, जो रिलीजियस सब्जेक्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। और अमीर खुसरो जो हैं वो हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया के स्टूडेंट हैं। इसके बाद डिस्क्रिप्शन है इसकी, डिस्क्रिप्शन दिस पेंटिंग ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो कैन बी डिवाइडेड इन टू टू पार्ट्स। तो ये जो पेंटिंग जो है हज़रत निज़ामुद्दीन आली और अमीर खुसरो, ये टू पार्ट्स में डिवाइड हो सकती है।
तो सबसे पहले यहाँ फोरग्राउंड की बात की गई है। इन फोरग्राउंड हज़रत निज़ामुद्दीन आली एंड अमीर खुसरो आर सीटिंग ऑन रूफ एंड डिस्कस ऑन अ रिलीजियस सब्जेक्ट। द रूफ हैज़ ऑरेंज कारपेट। बोथ आर वियरिंग मुस्लिम ड्रेस। अमीर खुसरो हैज़ अ रेड कलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन हिज हैंड। अमीर खुसरोज ड्रेस इज़ ऑफ ब्राउन एंड ग्रीन कलर, डेकोरेटेड विद एम्ब्रॉयडरी। सेम वे हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया शॉन विद ग्रीन ड्रेस। बोथ हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टर्बन ऑन हेड्स। अमीर खुसरोज टर्बन इज़ लाइक मुस्लिम, वाइल हज़रत आलियाज टर्बन इज़ राउंड विद रेड एंड ग्रीन कलर। हज़रत आलियाज हेड हैज़ अ येलो कलर रिंग एट बैक विच गिव्स ऑरेंज रेज। अ बिग वाइड बियर्ड इज़ ऑफ हज़रत आलियाज एंड अमीर खुसरोज बियर्ड इज़ ब्लैक। इन फ्रंट ऑफ देम देर आर टू गार्डन्स विच आर हैविंग टू स्टेप्स गोइंग अप टू द रूफ। ऑन द रूफ देर आर रेड वुडन ग्रिल्स। तो ये आप पेंटिंग के फोरग्राउंड में देख सकते हैं, यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन आली और अमीर खुसरो जी को पेंट किया गया है, और जो कि एक छत पर बैठे हुए हैं और आपस में एक रिलीजियस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। रूफ के ऊपर कारपेट बिछा हुआ है, ये ऑरेंज कलर का पेंट किया गया है, और हज़रत निज़ामुद्दीन आली और अमीर खुसरो जी ने दोनों ने मुस्लिम ड्रेस पहनी हुई है, और यहाँ अमीर खुसरो जी के हाथ में एक रेड कलर का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पेंट किया गया है, और यहाँ अमीर खुसरो जी का जो ड्रेस बनाई गई है उसे ग्रीन और ब्राउन कलर में पेंट किया गया है, और यहाँ पर इनकी ड्रेस पर आप एम्ब्रॉयडरीज देख सकते हैं। और इसी तरह सेम वे में यहाँ पर हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया जी को ग्रीन कलर की ड्रेस में पेंट किया गया है, और यहाँ पर दोनों के हेड्स पे अलग तरह की टर्बन्स देखने को मिलती हैं, जिसमें अमीर खुसरो जी की ये टर्बन जो है वो मुस्लिम टाइप में बनाई गई है, और इधर हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया जी की जो कैप है उसे राउंड शेप में बनाया गया है रेड और ग्रीन कलर में। और इधर हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया जी के बैक साइड में आप देख सकते हैं ये येलो कलर का एक रिंग बनाया है, जिसमें से ये ऑरेंज कलर की रेज निकल रही हैं, और इनकी जो बियर्ड बनाई गई है वो वाइट कलर की और बड़ी बनाई गई है, और इधर अमीर खुसरो जी की ब्लैक बियर्ड बनाई गई है। और नीचे की साइड में यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टू गार्डन्स बनाए गए हैं, और यहाँ पर छत पर जाने के लिए ये टू स्टेप्स बनाए गए हैं, और जहाँ पर ये वुडन ग्रिल्स रेड कलर में पेंट की गई है। इसके बाद है यहाँ पर बैकग्राउंड के बारे में बताया गया है। इन द बैकग्राउंड वी कैन सी द प्लांट्स ऑफ फ्लावर्स। राइट बैक ऑफ हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया इज़ अ बिग ट्री ऑफ ब्राउन कलर विच इज़ फुल ऑफ ग्रीन लीव्स एंड येलो ऑरेंज फ्लावर्स। बैकग्राउंड इज ऑफ लाइट एंड डार्क ब्लू कलर। इन सम प्लेसेस वी कैन सी वायलेट कलर आल्सो। बोथ फेसेस आर इन प्रोफाइल, एक चश्म एंड डेढ़ चश्म। इन द सेंटर अ वाइट कलर लैम्प इज देयर। हज़रत आलिया हैज़ अ रेड कलर बुक एंड अ बुक स्टैंड ऑफ ब्राउन कलर कैन आल्सो बी सीन। फुल पेंटिंग इज रिलीजियस। इन द 18th सेंचुरी डिकानी आर्ट हैज़ न्यू ईरा इन डिकैन।
इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ दैट, इट हैज़ बीन ड्रॉन फ्रॉम मुगल आर्ट। तो यहाँ बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं, यहाँ पर प्लांट्स बनाए गए हैं फ्लावर्स के साथ में, और यहाँ राइट साइड में आप बैक साइड में इनके हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया जी के देख सकते हैं, इनके बैक में एक ये ट्री बनाया गया है जिसमें ग्रीन लीव्स और येलो ऑरेंज फ्लावर्स बनाए गए हैं, और बैकग्राउंड में यहाँ लाइट और डार्क ब्लू कलर से इसको पेंट किया गया है, और कुछ प्लेसेस में वायलेट कलर भी देखने को मिलता है। और यहाँ बताए हैं इन दोनों के जो फेसेस हैं वो प्रोफाइल में एक चश्म और डेढ़ चश्म में बनाए गए हैं, और सेंटर में आप एक ये वाइट लैंप देख सकते हैं, और हज़रत निज़ामुद्दीन जी के पास आप एक रेड कलर की बुक देख सकते हैं, और पास में एक ब्राउन कलर का बुक स्टैंड बनाया गया है, और पूरी पेंटिंग जो है वो रिलीजियस लग रही है। और इस समय जो है वो डिकैनी आर्ट का एक नया समय था, और ये उस समय की पेंटिंग है जो कि मुगल आर्ट से बनाई गई थी, एंड इट इज़ वेरी फेमस। सो दिस वाज योर हज़रत निज़ामुद्दीन आलिया एंड अमीर खुसरो पेंटिंग। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। सो इन द लास्ट वंस अगेन आई विल शो यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द पेंटिंग। हियर यू कैन सी बैकग्राउंड ऑफ लाइट एंड डार्क ब्लू कलर। A big tree of brown color with green leaves, orange and yellow flowers, and some plants at the back side with few flowers. In the foreground, Hazrat Nizamuddin Aliya and Amir Khusro sitting on roof. Orange carpet, lamp, instruments, books, wooden grills, two step, and in the bottom two gardens. So this was your full painting, Hazrat Nizamuddin Aliya and Amir Khusro. I hope you understand it and enjoy it very much. Thank you.